नमस्कार। और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा में जहां विपक्षी दल सत्ता में हैं, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव की तैयारियां बड़े जोरों शोरों से आरंभ कर दी है। कल इसी को लेकर के नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन हरियाणा विधानसभा चुनाव की तैयारी को लेकर के हुई। इस बैठक में रामलाल प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष सुभाष बराला, भारतीय जनता पार्टी के संगठन मंत्री रामलाल, वहीं हरियाणा के प्रभारी अनिल जैन व हरियाणा के सभी सांसद व केंद्रीय मंत्रियों ने भाग लिया। इसके अलावा बाद में मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश में मंडल स्तर पर भाजपा की बैठकें होंगी। इस बैठक में अहम क्या रहा, आइए सुनते हैं मुख्यमंत्री ने क्या कहा। 1 जुलाई से 10 जुलाई तक हमारे सभी मंडलों की, 290 मंडल हैं, हर एक मंडल की बैठक होगी और मंडलों का जो संगठनात्मक जो सिस्टम है, खास करके जैसे इस बार पहली बार हमने पन्ना प्रमुख तक की जो व्यवस्थाएं बनाई थी, उन व्यवस्थाओं को रिव्यू करेंगे और रिव्यू करने में जहां कहीं कोई छोटी मोटी कमी होगी तो उसको पूरा करेंगे। हरियाणा में लगभग 20,000 पोलिंग बूथ हैं और हर पोलिंग बूथ में 15 से 20 पन्ना प्रमुख हैं, तो ऐसे 3 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता पन्ना प्रमुख के रूप में ये सब एक्टिव होंगे।